हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, हमने स्टडी किया था अपने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी थी किसी भी बॉडी में ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, मोशन की वजह से जो बॉडी में एनर्जी होती है उसको आप क्या बोलते हो, काइनेटिक एनर्जी। सॉरी, तो आज हम जो अपनी नेक्स्ट एनर्जी देखेंगे वो है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आपके सिलेबस में यही दो एनर्जी मेंशन है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या कहा, वो होती है आपकी ड्यू टू इट्स मोशन, एंड जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है किस वजह से होती है, ड्यू टू पोजिशन। ठीक है, किस वजह से होती है, ये डिपेंड करती है आपकी पोजीशन ऑफ द बॉडी पे। क्लियर? सॉरी, चलिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने क्या किया, ये एक ब्रिक है। ठीक है, क्या है ये, एक ब्रिक। अब ये ब्रिक जो है ये कहाँ पे पड़ी हुई है, ये एक ग्राउंड पे पड़ी हुई है। ठीक है, ये एक ग्राउंड है। क्लियर, ये एक ग्राउंड है और आपकी ग्राउंड पे जो है वो क्या है, ब्रिक पड़ी हुई है। अब इसमें क्या है बच्चे, कोई भी एनर्जी प्रेजेंट नहीं है। अगर कोई भी एनर्जी इस ब्रिक में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है। ठीक है ना, एनर्जी जब होगी किसी भी बॉडी में, उसका मतलब क्या, जब एनर्जी होगी तो तभी हम बोलेंगे ना कोई वर्क डन हो सकता है। जब एनर्जी ही कोई प्रेजेंट नहीं है इसमें, तो आपका कोई भी वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, लेट अस, हम क्या करेंगे कि इस ब्रिक को लिफ्ट करेंगे कहाँ तक, ये आपका रूफ है। क्या है, रूफ ऑफ द हाउस, ये ग्राउंड है। फिर हमने क्या किया, इसको हम ले गए कहाँ पे, रूफ ऑफ द हाउस पे। ये मैंने फिर ब्रिक यहाँ पे रख दी। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं इस ब्रिक को यहाँ पे ले गई। अब क्या हुआ, कुछ वर्क डन हुआ इस ब्रिक को लिफ्ट करने में। यहाँ पे नीचे क्या था आपका, नीचे थी आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से थी यहाँ पे। अब जब मैंने इस ब्रिक को लिफ्ट किया रूफ तक, तो क्या हुआ, वर्क डन हुआ मेरा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये हमने पढ़ा था, जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है तो वर्क डन का क्या फार्मूला होता है, पढ़ा था ना हमने। तो वही है ये, कि जब आपने ब्रिक को ग्राउंड से रूफ तक लेके गए, ठीक है, तो क्या हुआ, आपका वर्क डन हुआ। ठीक है ना, एनर्जी लगी उसको वहाँ तक पहुँचाने में, एनर्जी लगी, फोर्स लगी, तो मतलब वर्क डन भी हुआ, पोजीशन चेंज हुई उसकी, तो मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या हुआ, वर्क डन हुआ। तो यही वर्क गेट स्टोर्ड अप, यही जो आपका वर्क होगा ना, मतलब जो काम हुआ वो कहाँ स्टोर्ड हुआ, आपके ब्रिक को उठाने में। तो ब्रिक को उठाने में जितना आपका वर्क स्टोर्ड अप हुआ, स्टोर्ड हुआ, उस वो किस फॉर्म में होगा, आपकी एनर्जी की फॉर्म में। तो इसको आप क्या बोलोगे, पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलोगे, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आपका ग्राउंड से यहाँ तक जाने में जितना वर्क डन हुआ, उसमें जो आपकी एनर्जी यूज होती है, एनर्जी स्टोर्ड अप हुई कहाँ पे, ब्रिक पे, उसको आप क्या बोलोगे, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अच्छा बच्चे, जो आपकी एनर्जी स्टोर हुई है किस में, ब्रिक में, जो कि रूफ ऑफ द हाउस पे है, वो किस वजह से है, ड्यू टू द हायर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। किस वजह से है उसमें पोटेंशियल एनर्जी, ये एनर्जी किस वजह से है, ड्यू टू द हायर पोजीशन, है ना। मैंने क्या बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किस वजह से होती है, ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो इसकी पोजीशन जो है वो क्या है, आपकी हायर पोजीशन पे है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अगर आप ब्रिक को क्या करोगे, रूफ टॉप से नीचे फेंक दोगे, वो ब्रिक क्या हो जाएगी, पीसीज में टूट जाएगी। ठीक है, तो मतलब अब क्या है कि जो रूफ टॉप पे जो एनर्जी है आपकी, रूफ टॉप के ऊपर, वो है आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्यों हम इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, क्योंकि जिस एनर्जी के साथ ही रूफ ऑफ द टॉप पे है, वो क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट है। इसको क्या बोलोगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट एनर्जी है ना इसके अंदर। मतलब इसको हमने ब्रिक को कहाँ पर रखा, रूफ पर रखा, अब ये क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट है, तो इसको बोलेंगे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। चलिए, एक तो ये थी इसकी एग्जांपल।
और सेकंड एग्जांपल बच्चे क्या है, जब आप किसी बॉडी की शेप चेंज करते हो, ठीक है, चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी, ठीक है, किसी भी बॉडी की आप जब शेप चेंज करते हो तो उसमें क्या होता है, आपका जो वर्क डन होते हैं या फिर जो एनर्जी स्टोर्ड अप हुई होती है वो किस फॉर्म में होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जब आपने उसकी शेप ही चेंज कर ली, जैसे ये स्प्रिंग है, आपने इसको कंप्रेस किया रिफ्रैक्ट किया, तो क्या हुआ, इसकी शेप चेंज हो गई ना, अब शेप चेंज होगी मतलब इसकी पोजिशन ही चेंज हो गई, शेप चेंज होने की वजह से जो एनर्जी स्टोर अप हुई होती है उसको आप कहते हो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी आपने कौन कौन सी देखी, एक आपने देखी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो एनर्जी जो स्टोर्ड अप हुई है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और जिसमें बॉडी का शेप चेंज हो जाए उसको आप बोलोगे क्या, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सॉरी, ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हमारा, अब फॉर एग्जांपल आपने क्या लिया, एक गुलेल ली, ठीक है, ठीक है, अब इसमें क्या है बच्चे, यहाँ पे क्या होता है, आपने स्टोन लिया होता है, क्लियर। अब क्या है, जब हम गुलेल को पीछे खींचते हैं तो उस टाइम क्या, हम कोई वर्क कर रहे होते हैं ना, कुछ वर्क हो रहा होता है, ठीक है, जैसे हम गुलेल को पीछे खींचेंगे तो क्या हो रहा है, गुलेल की शेप चेंज हो रही है, मतलब उसमें उस टाइम कौन सी एनर्जी स्टोर अप हो रही है, उसमें उस टाइम हो रही है आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्यों, क्योंकि उस टाइम उसकी क्या हो रही है, शेप चेंज हो रही है, ठीक है, गुलेल की जो रबर होती है ना उसकी, तो ये यहाँ पे हो जाएगी आपकी क्या, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जो एनर्जी स्टोर अप हुई होगी वो होगी आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चे जो यही एनर्जी यहाँ पे स्टोर हुई होती है ना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, उसी एनर्जी की वजह से आपने जो यहाँ पे स्टोन रखा होता है वो स्टोन क्या करता है, जैसे आप इसको खींचते हो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपकी आ जाएगी इसमें, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आप जब इसको छोड़ोगे तो स्टोन क्या करता है, हाई स्पीड से आगे जाता है, ठीक है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और चेंज इन शेप उसको आप बोलते हो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वो क्या होता है, ये होता है आपका द एनर्जी ऑफ द बॉडी, द एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन, या तो पोजिशन की वजह से या फिर आपकी चेंज इन शेप की वजह से, और चेंज इन शेप इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी बॉडी में वो एनर्जी जो कि उसकी पोजीशन की वजह से हो या फिर उसकी शेप चेंज होने की वजह से जो एनर्जी उसमें प्रेजेंट होती है उसको आप कहोगे पोटेंशियल एनर्जी। सॉरी। अब बच्चे इसमें भी आगे दो पार्ट्स हैं, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी के आगे कितनी है, दो हैं, एक है आपकी ग्रेविटेशनल, मैं आपको पूरा इसका चार्ट बना के बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ड्यू टू इट्स पोजिशन एंड शेप, क्लियर। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आगे आपकी कितनी होती है, दो, एक हो गया आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एक हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी होगी आपकी कौन सी बच्चे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये आ गई आपकी दूसरी कौन सी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। कौन कौन सी, फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड द सेकेंड वन इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चे जो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, मैंने आपको क्या बताया, वो एनर्जी किसी भी बॉडी की जो उसकी पोजीशन की वजह से हो अबव द ग्राउंड, क्या लिखेंगे इसका, लिखेंगे एनर्जी ऑफ द बॉडी, एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, जब उसकी पोजीशन चेंज होती है ना, पोजीशन जब उसकी चेंज होती है
अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट अबव द ग्राउंड, उसको आप क्या बोलोगे बच्चे, उसको आप बोलोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये थी आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। मैंने ब्रिक की एग्जांपल ही पहले ही, वो कहाँ था, रूफ, यहाँ पे था ग्राउंड पे, जब हमने उसको कहाँ लिया, रूफ पे लिया, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अबव द ग्राउंड उसकी पोजीशन चेंज हुई, तो उस टाइम जो उसमें एनर्जी स्टोर अप हुई होगी वो होगी आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और सॉरी बच्चे, और आपकी दूसरी कौन सी होती है कि अगर आपका साइज में चेंज होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साइज में चेंज होता है कोई चेंज इन साइज, तो उस टाइम आप क्या बोलोगे, वो होगी आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है बच्चे, आपका कंप्रेशन या फिर स्ट्रेचिंग होती है ना स्प्रिंग की। इसमें एग्जांपल ले लो आप, इसमें एग्जांपल ले लो आप स्प्रिंग की, ठीक है, कि स्प्रिंग को जब आप कंप्रेस करेंगे या फिर स्ट्रेच करेंगे तो उस टाइम जो एनर्जी स्टोर हो रही होगी स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर हुई होगी उसको आप बोलोगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब बच्चे तो इसका क्या मतलब हुआ, इन दोनों चीज़ों का ये मतलब हुआ कि जो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है प्लस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का दोनों का सम किसके इक्वल होता है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है कि इन दोनों को मिला के आपकी जो एनर्जी बनती है वो है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। के पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आपकी दो होती है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब अच्छा देखो, जो आपकी बिल्डिंग के, आपके घर के ऊपर जो आपने वो लगाया होता है ना टैंक, सब वाटर टैंक रखे होते हैं, उनमें क्या होती है, उनमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि उनकी हाइट की वजह से है ना, ग्राउंड, वो क्या है, ग्राउंड से काफ़ी हाइट पे होते हैं ना, तो वहाँ पे जो ग्राउंड से अबव जितनी भी आपकी चीज़ें होंगी ना, जितनी भी आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे वो क्या होंगे आपके, उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, या फिर आप एक स्ट्रेच्ड रबर बैंड ले लो या फिर कंप्रेस्ड गैस ले लो सिलेंडर में, उनमें भी क्या होगा, आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि उनमें उनकी शेप चेंज हो रही होगी। ठीक है, इसी तरह आपका एक सीलिंग फ़ैन है, जब आप उसको स्विच ऑफ करोगे सीलिंग फ़ैन को, या फिर वाटर रिजर्वायर है तो वो रबर बैंड किसी टेबल पर लाए कर रहे हैं, उन सब में क्या होती है बच्चे, आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब आप ये बोल सकते हो कि कुछ बॉडी जो हैं वो एनर्जी पोजेस करती हैं इवन व्हेन इट इज़ नॉट इन मोशन। ठीक है, हमने क्या बोला था कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी होती है, हमने क्या बोला था बच्चे कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, ड्यू टू इट्स मोशन है ना, बॉडी की मोशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है या नहीं, मतलब मोशन कर रहा है अगर वो, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी होती है। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जिनमें मोशन नहीं होता, जिनमें मोशन नहीं होगा उसका मतलब वो कौन सी होगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जिनमें मोशन प्रेजेंट नहीं होगा उनको आप क्या बोलोगे, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? चलिए अब बच्चे देखो, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें पोटेंशियल भी होगा, जिनमें काइनेटिक भी होगा एंड पोटेंशियल एनर्जी भी प्रेजेंट होगी। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल क्या है कि एक बर्ड फ्लाई कर रहा है, अ फ्लाइंग बर्ड, इसमें दोनों आ जाएंगे। कैसे? एक तो मोशन भी है इसमें, फ्लाई कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है, प्लस अबव द ग्राउंड फ्लाई कर रहा है तो क्या है उसमें, पोजीशन है ना, पोजीशन अबव द ग्राउंड है तो उसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। इसका मतलब क्या है कि एक बर्ड जो फ्लाई कर रहा है उसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी भी प्रेजेंट होगी और आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा ऑब्जेक्ट है। कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें
या सिर्फ काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट होगी, और कुछ होंगे जिनमें क्या होंगे आपकी दोनों प्रेजेंट होंगी, काइनेटिक एनर्जी भी प्रेजेंट होगी और आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी प्रेजेंट होगी।